देश में कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देश में अभी तक 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा संकेत दिया गया है कि जिसे वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी उसके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो किसी और को चुन सके। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि दुनिया के कई देशों में 1 से ज्यादा वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन किसी भी देश में व्यक्ति को वैक्सीन चुनने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब इस बयान के बाद माना जा रहा है कि भारत में भी ऐसा ही हो सकता है। केंद्र सरकार के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से सवाल किए गए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि भारत सरकार ने ही कोवैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी, लेकिन अब सरकार बोल रही है कि किसी के पास वैक्सीन चुनने का ऑप्शन नहीं होगा, जब कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में उसे मंजूरी देने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा है, ऐसे में सरकार को कोवैक्सीन को मंजूरी ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर वैक्सीन का अभियान शुरू हो रहा है तो लोगों में विश्वास पैदा करना जरूरी है। मनीष तिवारी ने कहा, लोगों पर तीसरा ट्रायल नहीं होना चाहिए। भारत कोई गिनी पिग नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।